जो ये खंडर है, मेन बात है कि जो जस की डेड बॉडी है उसको इस रास्ते से ले जाने का कार्य था, लेकिन वो फंस गए। पूरी रात चारों तरफ पुलिस का पहरा था, गांव वालों का पहरा था, लेकिन उनका जो मामला था वो इस खंडर के रास्ते से जो बता रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और भाई, जस हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया है। एक बड़ा खुलासा हम आपको यहां पर दिखाएंगे। एक बार कैमरामैन को घुमा करके दिखा दे। ये तो वो जगह है भाई जहां पर जस की छोटा है मासूम बच्चा, 4 साल का बेटा जो जस है, उसकी डेड बॉडी लास्ट सुबह 6 अप्रैल को उसकी 5:30 बजे उसकी लाश यहाँ पर मिलती है। कौशल्या ताई का ये मकान है, इसके नीचे कौशल्या ताई डांगर पशु का अपना काम कर रही थी। और उसको क्या थी, वो परली साइड जो मकान मैंने वीडियो में भी दिखाया था कि वो राजेश का मकान है। और सामने कैमरामैन को कहूँगा घुमा करके दिखा दे, जो हरी टंकी रखी है वो है अंजलि का मकान, जिससे अंजलि ने हाँ भरी है कि मैंने ही जस को जो मोबाइल चार्जर की जो तार है उससे गला घोट करके मारा है। तो एक बार भाई साहब, क्या कुछ मामला था, डेड बॉडी को किस प्रकार से यहाँ से ले जा रहा था भाई? डेड बॉडी को कहीं और ही ले करके जा रहे थे गाड़ी में डाल करके, इस भाई साहब ने पूरी वारदात थी बताई एक बार, कैसे क्या था मामला भाई साहब? भाई साहब जी, ये नीचे अपना घास फूस कर रहे थे जी, तो एकदम ऊपर से आवाज़ आई, तो उन्होंने एकदम देखा भाई कुछ गिर गया, बहम लग गया। तो जैसे यहाँ उस गली से निकले तो गली से ना औरत जो ताई थी तो उसकी बाँह पकड़ ली, उससे पूछताछ की, ठीक है, इतनी बात हुई थी। बिल्कुल। तो भाई एक बार दिखा दे, एक बार जो ये खंडर है, मेन बात है कि जो जस की डेड बॉडी है उसको इस रास्ते से ले जाने का कार्य था, लेकिन वो फंस गए। पूरी रात चारों तरफ पुलिस का पहरा था, गांव वालों का पहरा था, लेकिन उनका जो मामला था वो इस खंडर के रास्ते से जो बता रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, यही था ना? हाँ जी, यहीं से था वो। ये इंटे अब तो थोड़ी सी नीचे हो रही जी, वो पहले वो इंटों का दूर से लाइन बनी हुई थी जी, वो कुर्सी पे चढ़ के वैसे तो इधर फाकना था, वो कुर्सी नीचे गिर गई या पतन टूट गई जी वो, उसके बाद वो बच्चा हाथ से छूट के साइड पे गिर गया और उसकी आवाज ज्यादा आई जी, और इतनी देर में जिसकी डायरी पे वो गिरा कुशल्या जी की, उन्होंने गली से बाज के उनके दरवाजे पे सीढ़ियों से वो नीचे उतरते हुए देख लिया और पूछ लिया मौके पे। तो कट्टम डेड बॉडी कट्टम डल रही थी या वैसे? नहीं, वैसे थी, खुले में थी जी बॉडी। अच्छा, हाँ जी। तो दिखा दे भाई एक बार, ये जो थोड़ा सा गैप है बिल्कुल, यानी कि जो राजेश का मकान है, राजेश के मकान से कुर्सी पर चढ़ के या जैसे भी है उसको वहाँ से इस तरफ खंडर की तरफ फेंकने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कुर्सी टूटी या जो भी जो मामला हुआ है वो परमपिता मौके पर कुर्सी टूटी पड़ी हुई जी यहाँ पे मौके पर। हाँ जी। तो यहाँ को गाड़ी है, गाड़ी का रास्ता पीछे वो गाड़ी है, यहाँ से बस 40-50 कदम दूरी पे गाड़ी है। उधर तो आवाजाही ज्यादा थी जी, प्रशासन बहुत ज्यादा खड़े था, कभी कोई सी टीम आ रही थी, कभी कोई सी आ रही थी जी, और गांव भी, गुआंड के लोग भी, औरतें भी, पूरे गांव में चूल्हा भी नहीं चढ़े थे जी, तो सारे यहीं बैठे थे जी। तो उन्होंने सोचा कि ये मकान के इधर से पीछे से निकाल ले जी रास्ता। तो ये कह रहे थे भाई पूरी रात पुलिस का पहरा था, चारों तरफ से पुलिस का पहरा था, उसके बावजूद भी मतलब गाड़ी तक, कह रहे भाई गाड़ी तक वहाँ पर आ गई थी। गाड़ी तो जी वो परिवार के आदमी थे, ये कोई अननोन कोई थे जी, इनको तो मान ली कोई पूछता भी यही बोलते जी भाई परिवार से, हम तो परिवार का आदमी इधर उधर जा ही रहे थे जी, इन पे कोई मान ली शक्की भावना से तो कोई देख ही नहीं रहे थे जी इनको, इसलिए जी। अच्छा, इस केस में भाई साहब अभी अंजलि ने ये कह दिया, शुरू में जिस टाइम पर पकड़े गए तो ये पूरे देश में ये न्यूज चली कि राजेश के परिवार ने आ भर ली कि हमने मारा है, लेकिन 2 दिन पहले एक बड़ा खुलासा होता है कि इसमें अंजलि दोषी है, अंजलि ने उसको जस को मारा। इसको लेकर के फिर पूरा गांव कमालपुर इकट्ठा होता है, एसपी साहब से मिलता और कहता है कि इसमें राजेश के परिवार को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, इसको इसमें क्या लगता है? क्योंकि जी इसकी मेन तो ये है कि अंजलि की गिरफ्तारी भी 3-4 दिन बाद हुई है जी, और उससे पहले जो प्रशासन के पास जाते भी थे जी हम, तो बात भी होती जी उनसे, तो मेन यही कह रहे थे कि 95% ये मान चुके हैं और ये आपका तो सुलझा ही गया, ये मान गए हैं भाई, हम आगे की वो कार्रवाई कर रहे भाई, इसमें कोई तांत्रिक का या बाबा का कोई ऐसा सीन हो, ये किसी तांत्रिक ने और भी किसी के साथ ही कोई ऐसी दुर्घटना करवा रखी हो, कुछ नहीं पता चलता भाई, हम अगले वो देख रहे सबूत भाई, कुछ और भी इनसे कुछ राज उलझे, और फिर बाद में हमारे को पता चला कि हमारे को बताते हैं वो, पता भी नहीं लगने देते, हम एसपी ऑफिस में एसपी साहब से मिलने जाते हैं संडे वाले दिन, वो उनको कोर्ट में भी पेश कर देते हैं।
और इसी करके जी वो यही हो रहा है कि पहले तो वो मान रहे थे, अभी ये इनको कर रहे जी, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया जी केस में। बिल्कुल। तो गृह मंत्री ने विज से भी जी और माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री खट्टर साहब से भी जी यही अपील है जी हमारी कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और मौके पर आके इसको देखा भी जाए। बिल्कुल, मौके पर आकर के देखा जाए। दिखा दो भाई एक बार, जो ये आंटी का मकान है कौशल्या आंटी, वो सुबह सुबह 5:30 बजे अपने पशुओं का वो कार्य करने लग रही थी, लेकिन अचानक उसको धड़ामदेही की आवाज़ आती है। सामने जो मैं मकान आपको दिखाना चाहूँगा कि वो अंजलि का मकान है, और यदि अंजलि ने इस वारदात को अंजाम दिया है तो फिर बीच में एक लगभग 3 से 3.5 फुट की जो गली है और उसके बिल्कुल सामने कौशल्या आंटी का मकान है। जस्ट लगता ही राजेश का जो अपराधी हैं इस वक्त जो गिरफ्तार किए गए हैं, 3 व्यक्ति हैं जो पुलिस की गिरफ्तार में, राजेश का परिवार है और जो 3, एक माया और लवली जो अंजलि का पति है और माया उसकी सासू है, 3 व्यक्तियों को उनको यानी कि टोटल 6 व्यक्तियों के इस मामले में अभी तक गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रशासन ने इसमें जांच में लगी। अब मामला यह है कि यदि अंजलि ने उसको मारा है, छोटे से बेटे जस को तड़पा करके, तो वो उसकी डेड बॉडी को लेकर के यहाँ तक अकेली नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ तक आने में उसको पूरा राजेश का जो परिवार है, राजेश का परिवार, मुझे नहीं लगता कि किसी का बेटा, किसी के चाचा का, मतलब राजेश का भी परिवार था जस, जो राजेश का भी बेटा, जस जो राजेश का भी उसका ताऊ चाचा लगता है, मुझे नहीं लगता कि जिसका बेटा गुम हो चुका है कि उसको नींद आई होगी पूरी रात, मुझे नहीं लगता है। इसमें पूरा का पूरा जो मामला, हालांकि बुधवार को पुलिस प्रशासन देर शाम तक SP साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनका एक दावा भी है कि पुलिस प्रशासन बुधवार तक दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। फिलहाल की जो ये घटना है, ये दिखाने का ये उद्देश्य था हमारा कि यहाँ तक आने के, यहाँ पर जो डेड बॉडी गिरी है वो इनका एक षड्यंत्र की एक बड़ी मिस्टेक, यहाँ पर कहेंगे उनकी एक बड़ी गलती, वो पकड़े के कहते हैं कि परमपिता परमात्मा दोषियों से एक ने एक गलती करवा देता, जिसकी गलती यहाँ पर, लेकिन मुझे नहीं लगता यदि यहाँ से भी वो डेड बॉडी को आगे ले करके जाते, आगे भी वो ज़रूर फंसते, क्योंकि पूरे गाँव का पहरा था, पूरे चारों तरफ गाँव के कई मकान ऐसे जहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, वो गाड़ी कहीं ना कहीं दिखाई देती भाई साहब। वो तो आओ जावे लगी रही थी जी गाड़ी, तो वो आने लग रही थी दोबारा, और उससे पहले कभी राजेश उसमें आज तक गाड़ी लेके भी नहीं आया था उस जगह पे। एक बात और सुनने में आई थी कि जो राजेश है, राजेश कह रहा था कि मैं लुधियाना था और 1 ही घंटे में वो यहाँ पर पहुँच गया, ये इसमें क्या, इसमें राजेश ने जी अपने उस पे चाचे के लड़के पे अमन पे फोन किया था कि भाई तूने मेरे पे फोन नहीं किया, तूने मेरे को बताया नहीं भाई भाई गुम हो गया और मैं अंग्रेज को फ़ोन कर देता और मैं अंग्रेज SP पे DSP पे IG पे सब पे फ़ोन कर देता, वो कर देता। तो अमन बोले जी अभी भी क्या कोई मिल गया भाई, अभी कोई लेट कोई नो है भाई, अब फ़ोन कर दे तू, अब करवा दो कार्रवाई। अब चल ठीक है मैं आने लग रहा, और उस टाइम मौके पे वो कह रहे थे मैं लुधियाना हूँ, और 1 से 1.5 घंटे के बीच में जी वो हमारे को इंद्री मिलता है जी, इंद्री मिलता है। हाँ जी भाई साहब, आ जाओ एक बार, क्या आप अपील करेंगे और क्या लगते हैं आप जस के, क्या लगते हैं भाई साहब? मैं जस के ताऊ लगता हूँ। ताऊ लगते हैं जी। अच्छा, सगे चाचा ताऊ में आप भी? हाँ जी हाँ जी, 5। अच्छा हाँ जी, सगे चाचे ताऊ के लड़कों। हाँ, तो आपको क्या लगता है किन किन का ये दोष होगा इसमें? जैसे मौके वारदात पे दिख रहा है जी, मान ले राजेश तो उस टाइम प्रॉपर घर नहीं था, उसके बाद ही आया हो, जैसे उन्होंने फ़ोन किया भाई मैं लुधियाना से हूँ जहाँ भी आ, पर मेरे को नहीं लग रहा जी उस टाइम लुधियाना होगा, क्योंकि 1 घंटे 1.5 घंटे में इतनी दूर से बंदा आ ही नहीं सकता जी, ऐसे कुछ वाक्य होता है। क्या अपील करेंगे आप पुलिस प्रशासन से, SP साहब से करना? यही करेंगे जी, जल्द से जल्द कार्रवाई हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल जो उद्देश्य था जस के न्याय को लेकर के, लगातार पूरी मीडिया भी जस के परिवार के साथ में, और हर कोई चाह रहा, पूरा देश चाह रहा है कि जस के हत्यारों को, जस के कातिलों को सजाए मौत जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, क्योंकि ये अकेले बेटे, 4 साल के मासूम बेटे जस की हत्या नहीं है, मानवता और इंसानियत की हत्या है, और सभी चाह रहे हैं कि उन अपराधियों को जल्द से जल्द ये बताया जाए कि ये अपराधी, ये हत्यारे, फिर उनको बीच चौराहे पर फांसी तोड़ा जाए या ऐसी ही दर्दनाक मौत उनको दी जाए जिस प्रकार से जस बेटे को दी गई है। एक मासूम का क्या कसूर था,
जिसने जिन जलादों ने ऐसा कार्य किया और इसी रास्ते से उसको उसकी डेड बॉडी को बाहर ले जाने का प्रयास किया गया था कि किसी को पता भी न चलो, कानो कान किसी को भनक न हो। एक दो और खुलासा इस मामले को लेकर के एक दो खुलासा हम और करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, न्याय की गुहार आप लगाएँ। 14 तारीख को एक अपील आप सभी से कि पूरा देश, पूरा हरियाणा सेक्टर 12 करनाल में इकट्ठा हो रहा है, जस के न्याय को लेकर के आप 14 तारीख को भी वहां पर जरूर पहुंचे। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सहयोगी इंतजार के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।